मध्य प्रदेश के झाबुआ में आज प्रधानमंत्री मोदी की रैली है। गोपालपुरा हवाई पट्टी पर उतरने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सड़क के रास्ते सभा स्थल पर पहुंचे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं शिवराज भी दतिया, ग्वालियर और भिंड में जनसभा कर रहे हैं। शिवराज की कुल 9 जनसभाएं हैं। मध्य प्रदेश के दामोह में केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कांग्रेस ने पाकिस्तान से मिलकर मोदी को हराने की कोशिश की। उमा भारती ने आरोप लगाया कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कांग्रेस के नेताओं ने सेना प्रमुख को अपशब्द कहे। उत्तराखंड में रविवार को हुए निकाय चुनाव के आज नतीजे आएंगे। 41 स्थानों पर मतगणना चल रही है। 84 नगर निकाय के 1148 पदों के लिए आज सुबह 8 बजे मतदान की गिनती शुरू हुई। सभी नतीजे आने में 24 घंटे लग सकते हैं। चंपावत, नैनीताल, हल्द्वानी में मतगणना जारी है। राजौरी, पुंछ और जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाली मुगल रोड को 10 दिनों के बाद खोल दिया गया। बर्फबारी और भूस्खलन के बाद मुगल रोड को बंद कर दिया गया था। प्रशासन की तरफ से भारी वाहनों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं।